हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ बहुत दिन बाद, और आज है मेरा बर्थडे 28 अप्रैल। हमेशा किंचु को याद रहता है 28 मई। और आज मैं क्या स्पेशल करने वाली हूँ? कुछ खास नहीं स्पेशल मेरी लाइफ में, बस ये इतना बहुत है कि मेरे लाइफ में अनुराग है, मेरा बेबी है, इतनी अच्छी फैमिली है मेरे पास, और इससे स्पेशल मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। बस यही भगवान मेरी लाइफ में स्पेशलिटी बनाए रखे, बस इतना ही प्रे है। और स्पेशल खाने पीने में थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं। तो आज मैं पहली बार ट्राई करूँगी चॉकलेट केक, क्योंकि अभी तक मैंने प्लेन केक बनाया है। और थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्लिप्स आप लोगों को दिखा दूँगी जो भी बनाऊँगी। और बता रही थी कि कुछ चैनल की मेरी टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, और जो कि मेल वगैरह किया कि पता नहीं क्या किया, अनुराग ने किया, जो भी किया मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या वीडियोस मुझे दिख ही नहीं रहे थे, और उसमें दिखा रहा था क्रिएट न्यू चैनल, पता नहीं क्या हो गया था, जो कि अनुराग ने ठीक कर दिया, मेल वेल करके किया या चैनल में कुछ सेटिंग में किया मुझे नहीं पता। बस मेरे लिए स्पेशल यही है कि मेरा बर्थडे वाले दिन मुझे चैनल मेरा वापस मिल गया, अब मैं आप लोगों से फिर से कनेक्ट हो सकती हूँ। थोड़ा सा लॉस मुझे इस बीच हुआ है क्योंकि सबसे पहले तो इतने दिन मेरे वीडियोस नहीं गए, और जो सजेशन में जो जो देखते हैं मेरे वीडियो सजेशन में, जिसके पास वीडियो आ जाते हैं, तो फिर अगर हम लॉन्ग टाइम तक नहीं डालते ना वीडियोज़, तो फिर वो कनेक्टिविटी टूट जाती है, हमारे सजेशन में वीडियोज़ नहीं आते हैं। तो आज मैंने धोए थे, वॉश किए थे बाल अपने, जो कि अभी गीले हैं, थोड़े बहुत गीले हैं, और सूख तो गए हैं बट थोड़े से अंदर गीले हैं, और फिर उसके बाद मैं कॉम करूँगी। बाल पता है झड़ते बहुत हैं मेरे। तो बस ऐसा कुछ आज स्पेशल होने वाला नहीं है क्योंकि बाहर जाना है नहीं मुझे, बस बाहर घूमने का चस्का रहता है थोड़ा सा, जब भी बर्थडे शर्डे किसी का पड़ता है तब। और खाने में अनुराग बोल रहे थे कुछ ऑर्डर कर देंगे, बनाना मत, क्योंकि मैं ही अपने बर्थडे में कुकिंग करूं तो क्या फ़ायदा मेरे बर्थडे का, है ना? तो बोल रहे थे कुछ बनाना मत, शाम को बाहर से ऑर्डर करेंगे। और बस नॉर्मल लाइफ, क्योंकि ना एक मुझे लगता है जो 30 के बाद जो बर्थडे क्रेज़ है ना खुद का, वो कम हो जाता है, फिर अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ये क्रेज़ रह जाता है, अपने बर्थडे का क्रेज़ कम हो जाता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ तो है, बाकी और लोगों का मुझे नहीं पता। तो अभी बज रहा है 4, मैं शायद 5 बजे से स्टार्ट करूँगी अपना केक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा बना मेरा केक, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम चॉकलेट केक ट्राई कर रही हूँ। मैंने बनाया है नॉर्मल केक बनाया है, प्लेन केक, एक बार मैंने मैंगो केक बनाया था, और ड्राई फ्रूट केक, जो ड्राई फ्रूट्स नट्स वाला केक होता है, बस ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं उसमें, बस वो केक बनाया। चॉकलेट केक मैं पहली बार बनाऊँगी, और जैसा भी बनेगा आपको मेरा पर्सनल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, है ना? तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय। तो यहाँ पे मैंने बनाया था रुआबजा, किंचू बोल रहा था पीने के लिए। एक्चुअली तो मैंने सोचा गर्मी बहुत थी तो हम लोग भी पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आइस डाल रही हूँ, और मैंने देखा है मेरी बर्थडे वाले दिन ना बहुत गर्मी रहती है। और मैं ना केक की रेसिपी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ना इसमें अगर ऐड कर दूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरा रुआबजा है रेडी, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, अच्छा लगता है ना, रेड रेड कलर बहुत मस्त लगता है, पीने में तो होता ही है लेकिन कलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे किंजू ने वेस्ट पहना हुआ है, सिर्फ टी शर्ट हम लोगों ने निकाल दिया, वैसे जनरली ये रहता नहीं है बिना टी शर्ट के क्योंकि इसको बहुत शर्म आती है। तो गर्मी थी तो टी शर्ट, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है तो टी शर्ट निकाल दी थी हम लोग ने इसकी। और बस यहाँ पे मैं भी पी रही हूँ, किंचू भी पी रहे हैं, और आप ये पीछे देख रहे हैं ये स्टैंड है कपड़ों वाला, जो कि नीचे झाड़ू पोछा अच्छा से हो जाए नीचे फ्लोर पे, इसलिए मैं ऊपर रख देती हूँ। क्या कर रहे हो? इंजेक्शन लगा रहे हो उसको? क्यों रो रहा है वो? और यार आपने टी शर्ट क्यों नहीं पहना? क्योंकि हॉट लग रहा है। हॉट लग रहा है? अच्छा।
और ये हो गया है मेरा केक रेडी। बाद में इसमें मैंने ना चॉकलेट मेल्ट करके उस पर स्प्रेड भी किया था और स्ट्रॉबेरी लगा दिया था क्योंकि मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे है हमारा डिनर जो कि आज हम लोग करने वाले हैं चाइनीज़। तो यहाँ पे अनुराग ने मंगाया था चिली पनीर और मंचूरियन, फ्राइड राइस, एक प्लेन राइस था और बस इतना ही है। और इतने में भी मैं आपको बता दूँ टेस्टी बहुत था, बट बच गया था हमारा आधा। और यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं केक वेक कटने के बाद और गाउन डाल लिया है, बहुत गर्मी थी गाइस। तो किंचू भी अपना हैंड वॉश वगैरह करके आ गए, अब हम लोग अपना डिनर एंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।